आशिकी 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया था। अब वही टीम एक बार फिर मोहित सूरी की अगली फिल्म एक विलन में भी काम कर रही है। ऐसे में मोहित ने टीम को सब कुछ परफेक्ट करने के लिए कहा है, जिससे आशिकी 2 वाला मैजिक उनकी इस अपकमिंग मूवी में भी नजर आए। वैसे आजकल स्टार्स एक्टिंग के अलावा दूसरे कामों में भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। कमबैक के बाद एक्टिंग में माधुरी दीक्षित अपना जलवा दिखा ही चुकी हैं। अब वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं। खबर है कि माधुरी एक स्क्रिप्ट पर काम करने में बिजी हैं। हालांकि वो इस पर पिछले 3 साल से विचार कर रही हैं, लेकिन अब वो इसे लेकर काफी सीरियस हो गई हैं। सूत्र बताते हैं कि आर माधवन के लिए माधुरी इस स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। सुनने में आया है कि रणबीर अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अब अलग जाकर रहना चाहते हैं। रणबीर से जुड़े सूत्र बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ऋषि कपूर और नीतू कपूर को कैट का रणबीर से उनके घर बार बार मिलने आना पसंद नहीं है। इसे लेकर वो कुछ नाराज भी हैं, लेकिन फिर भी रणबीर ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। अब तक अपने कई रिश्तों के उतार चढ़ाव से गुजर चुकी सुष्मिता सेन के लिए कहा जा रहा है कि वो आजकल एक और नए बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग कर रही हैं। ये जनाब है मुंबई के एक नाइट क्लब के मालिक ऋतिक भसीन। एक सूत्र के अनुसार ऋतिक मुंबई में कई सारे नाइट क्लब चलाते हैं और सुष्मिता को उनके साथ कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है। साथ ही दोनों एक दूसरे को लेकर काफी खुले भी नजर आते हैं। रणवीर सिंह और परिणीति चोपड़ा को एक दूसरे के साथ काम करने में काफी मजा रहा है। ये दोनों जल्द ही शाद अली की किल दिल में नजर आने वाले हैं। सेट पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि रणवीर और परिणीति एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय कर रहे हैं। शुरू में तो इन दोनों की बातें बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब तो ये एक दूसरे से काफी कुछ शेयर करते हैं। ब्रेक में भी इनका हंसी मजाक जारी रहता है। विद्या बालन को शिखर पर पहुंचने के लिए किन किन कटीले रास्तों से गुजरना पड़ा है, ये काफी कम लोग जानते हैं। विद्या बालन का कहना है कि जब मुझे अपनी पहली मलयालम फिल्म मिली और वो भी दक्षिण के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ, तब मैं नहीं जानती थी कि हीरोइन बनना मेरे लिए कांटों का तार साबित होगा। बहरहाल इस फिल्म के लिए मेरा बाकायदा लुक टेस्ट हुआ, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स और दीदी मुंबई से साउथ आई थी, लेकिन फिल्म 50% बनाने के बाद बंद कर दी गयी। अब तक तकरीबन एक दर्जन हिट फिल्में दे चुके मोहनलाल के इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर फिल्म के बंद होने पर मुझे पनौती करार दे दिया गया। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही मेरी दूसरी फिल्में शुरू होंगी, लेकिन फिर अखबारों से पता चला कि मुझे पनौती करार दिया जाने के कारण मुझे कुछ फिल्मों से निकाल दिया गया है। फिर 2 साल बाद मुझे फिल्म मिली। विद्या ने हमें ये भी बताया कि डर्टी पिक्चर की शूटिंग के दौरान उन्हें 10-12 सिगरेट फूकनी पड़ती थी, उससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। हालांकि फिर भी उन्हें शो मस्ट गो ऑन वाले स्प्रिट का ध्यान रखना पड़ा। फिल्म स्टार्स पर अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचने के इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन आजकल सितारे सोसाइटी के बारे में भी सोचने लगे हैं। खबर है कि अनुष्का शर्मा घोड़ा गाड़ी वाले घोड़ों की मदद के लिए आगे आई हैं। अनुष्का ने डिमांड की है कि घोड़ों की मदद से खींची जाने वाली गाड़ियों पर बैन लगाया जाना चाहिए। मिसेज चोपड़ा बनकर रानी मुखर्जी ने तो लंबे समय से चली आ रही गॉसिप पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन गॉसिप के दीवानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या ढेर सारे और दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ इसी राह पर रानी मुखर्जी के देवर उदय चोपड़ा भी चल रहे हैं। वो भी कुछ वक्त पहले नरगिस को अपने घर ले गए थे। हालांकि पहले नरगिस के कईयों से अफेयर की चर्चा रह चुकी है, लेकिन जब से उनका नाम उदय के साथ जुड़ा है, तब से उनका नाम किसी और के साथ नहीं लिया जा रहा। बॉलीवुड में एक और कपल के रिलेशनशिप की बातें अक्सर होती रहती हैं, और शायद इनकी शादी होने तक ये सिलसिला नए नए अपडेट्स के साथ जारी रहेगा। मामला नवाबी घराने का है। सैफ अली खान की बहन और करीना की ननंद एक्ट्रेस सोहा अली खान भी कुणाल खेमू के साथ शादी करना चाहती हैं। फिलहाल ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं और इस बात को खुलकर कह भी चुके हैं। वैसे पहले कुणाल को सोहा का परिवार एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके परिवार के करीब आ गए हैं। हरमन बावेजा और विपाशा बसु ने अपने रिश्ते का इजहार खुलकर किया। वैसे अब इनकी शादी के बारे में आए दिन नई खबरें आती रहती हैं। हाल ही के महीनों में विप्स के एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से चुपचाप शादी करनी थी, तो अब सोचा जा रहा है कि क्या विपाशा और हरमन भी ऐसा ही करेंगे। सूत्र बताते हैं कि दोनों गुपचुप शादी की प्लानिंग में बिजी हैं। खबरों की दुनिया में आइए,
हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।